क्या प्रश्न जहां में आया है, कौन ये प्याला लाया है? बेपरवा खून बहाने को किसने तुम्हें उकसाया है? अब लगता है कि परिवर्तन नजदीक है। जब बात करूं मैं बंगाल की, तो ये जानना जरूरी है कि किसकी शख्सियत में असली में दम है। आप सभी का स्वागत है मेरी IGTV चैनल पे, और आज मैं बात करूंगी बंगाल के राजनीतिक इतिहास के बारे में। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, उसी वक्त बंगाल का विभाजन हुआ धार्मिक लकीरों के अनुसार। जो पश्चिम भाग है बंगाल का, वो आके भारत के साथ मिला, और जो पूर्वी भाग है वो जाके पाकिस्तान से मिला। इसी कारणवश आज बंगाल चाहे पूर्व दिशा में स्थित हो, फिर भी हम उसे पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। बंगाल के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर वीसी रॉय, और वे कांग्रेस के सदस्य थे। उनके कार्यकाल दौरान बंगाल में बड़े पैमाने पर खाद्य संकट आया था। मैं आपको एक चीज बता दूं कि 1977 तक बंगाल पे कांग्रेस ने शासन किया था। 1977 से लेकर 2011 तक बंगाल पे CPIM जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट ने राज किया बंगाल पे। उनके जो चीफ मिनिस्टर थे ज्योतिबा बासु, उनके कार्यकाल दौरान मसेकर ऑफ मारी झापी और बुद्धादेव भट्टाचार्य के वक्त नंदीग्राम वायलेंस को अंजाम दिया गया। अब SEZ के अंतर्गत नंदीग्राम के वासियों की जमीन सरकार हड़प के सलीम ग्रुप ऑफ इंडोनेशिया को देना चाहती थी, और वे वहां पे केमिकल हब कायम करना चाहते थे। और इस हिंसा और इस चीज का फायदा उठाया दीदी ने, और नंदीग्राम के वासियों का बड़े ही दिल से साथ दिया। और इसके बदले 2011 में TMC को बड़े ही आंकड़ों से जीत मिली बंगाल में। है आज के सियासी माहौल के बारे में। BJP ने दी दस्तक और TMC को हुई घबराहट, पर ऐसा क्यों? हिंदुत्व की जो जड़ें हैं वो बंगाल से जुड़ी हुई है, पर रोचक बात तो ये है कि फिर भी सत्ता पे हमेशा लिबरल बंधु की सरकार ही कायम हुई है। पर सवाल तो ये है कि अब तक लेफ्ट पर फिर भी BJP की दस्तक से क्यों रुकी हुई है TMC की ब्रेथ? बंगाल में सालों से पोलराइजेशन के दम पर ही चुनाव हुए हैं। अब बात ये है कि जो TMC की वोट बैंक है वो इस बार TMC से नाराज है, और TMC की वोट बैंक कौन है? जो इस देश में मेजॉरिटी में है पर फिर भी कहलाती है माइनॉरिटी, वो इस बार नाराज है TMC से। तो हिंदू सेक्शन है बंगाल में, वो बांग्लादेश में हुई जो हिंदुओं पे हिंसा है उससे बेहद ही प्रभावित है। इस कारणवश वो जो TMC है उसके विरोध करती है, ताकि वो परिवर्तन को बंगाल में कायम कर सके, अपने देश में ही खुद को महफूज कर सके। एक बात बताऊं, रावण की मौत राम के वजह से नहीं बल्कि विभीषण की वजह से हुई, वैसे ही TMC की जो हार होगी वो भाजपा की वजह से नहीं बल्कि उनके पार्टी के उन सदस्यों की वजह से होगी जो लोग नेपोटिज्म से परेशान होकर उन्होंने TMC का हाथ छोड़ दिया और भाजपा का हाथ थाम लिया। शारदा स्कैम से TMC के कई नेता जुड़े थे, और ये जानने के बाद बंगाल की जनता की सोच बहुत खुली है। उन्हें समझ आ गया है कि देशभक्ति तो केवल बहाना है, खुद का पेट भरना इनका एजेंडा है, और ये खुली सोच इस चुनाव में TMC के लिए खतरा बन सकती है। TMC ने वादा किया था कि अगर उनकी सत्ता आती है तो वो एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी करेंगे, पर ये चीज कायम ना हो पाई। और एक चीज मैं आपको ये याद दिलवा दूं कि जो टीचर्स का सेक्शन है, जो इंटेलेक्चुअल सेक्शन है बंगाल का, वो भी TMC से नाराज है। अब मैं आपको ये बात बता दूं कि
जो बंगाल है उसमें टोटल सीट्स अराउंड 294 है, ठीक है। अब अगर हमें बंगाल की पूरी पॉलिटिक्स को अच्छे से समझना हो तो हमें टीएमसी के एजेंडा से ज़्यादा बीजेपी के एजेंडा को समझना होगा। बीजेपी एक दो एजेंडा पे काम कर रही है, और ये दो एजेंडा क्यों? क्योंकि लोगों को कंफ्यूज कर सके, ठीक है, समझ रहे हो आप। और ये दो एजेंडा क्या है? जय श्री राम किसे अट्रैक्ट करने के लिए, जो हिंदू पॉपुलेशन है बंगाल में उसे अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर जो दूसरा एजेंडा है कि दीदी की दादागिरी रोको, तो जो हाईली अफेक्टेड है, ठीक है, जो जो लोग बहुत ही नाराज है टीएमसी से, उनका वोट लेने के लिए। बात करते हैं अबाउट टीएमसी, तो अंडर टीएमसी देयर वाज इंक्रीज लेवल ऑफ पॉलिटिकल किलिंग्स, एंड दिस कैन बी प्रूव्ड बाय द फैक्ट कि 2018 की क्राइम स्टेटिस्टिक्स थी वो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने एनसीआरबी को सबमिट नहीं की। तो अब सवाल उठता है कि क्यों नहीं किया एनसीआरबी को सबमिट? अगर सभी चीजें ठीक थी तो उन्हें रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं की उन्होंने? टीएमसी इज ओनली वर्किंग फॉर द 30% ऑफ पीपल एंड इग्नोरिंग 70% ऑफ द पीपल। और ये 30% के लिए भी क्यों काम कर रहे हैं? ये 30% के लिए भी इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि ये इनकी वोट बैंक है। और ये जो 30% है ना, जो माइनॉरिटी है, जो मुस्लिम्स है, वो भी टीएमसी से नाराज है। जो स्ट्रेटजी भाजपा ने यूपी में इलेक्शन जीतने के लिए इस्तेमाल की थी, वही स्ट्रेटजी भाजपा बंगाल में जीतने के लिए इस्तेमाल कर रही है। दैट इज मोदी वर्सेस दीदी। और इसके पीछे का अहम कारण ये है कि भाजपा के पास एक स्ट्रॉन्ग सीएम फेस कैंडिडेट नहीं है कि जो दीदी के सामने खड़ा हो सके। इसके कारण ये लोग मोदी फैक्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात बताऊं, पूरे देश में भाजपा को वोट तो मोदी फैक्टर की वजह से ही मिल रहे हैं। सीएए, एनआरसी और राम मंदिर बीजेपी को इस चुनाव में बेहद ही फायदा करवा सकती है, क्योंकि बंगाल के हृदय में आज भी हिंदुत्व बसा हुआ है, बस जान फूकना बाकी है। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी की एंट्री होती है बंगाल के कुरुक्षेत्र में तो ये भी भाजपा के लिए ही फायदेमंद होगा। इसके पीछे का अहम कारण ये है कि जो टीएमसी है, ठीक है, उनके लिए वोट कौन करती है? जो माइनॉरिटी सेक्शन है बंगाल का, वो वोट करती है। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी आते हैं तो क्या होगा? ये जो उनका वोट बैंक का कोटा होगा उसमें शेयर हो जाएंगे, आधे अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए और आधे टीएमसी के लिए। तो ऑफ कोर्स इससे टीएमसी कभी नहीं जीत पाएगी। कौन जीतेगा? ना ओवैसी जी जीत पाएंगे, ना टीएमसी जीत पाएंगी, ना लेफ्ट जीत पाएंगे, कोई नहीं जीत पाएगा, सिर्फ भाजपा जीतेगी। जब तक राजनीति में परिवारवाद रहेगा, मेरी बात गौर से सुनना, जब तक राजनीति में परिवारवाद रहेगा तब तक सियासत की कुर्सी पे भगवा लहराएगा। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार का चुनाव कौन जीतेगा। जय श्री राम।